नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्नोलॉजी न्यूज चैनल टेक्नोडेट प्रेरक। सो दोस्तों, सबसे पहले जो टेक न्यूज, आपकी आंख का लेंस जूम करके आपको दृश्य को दिखा देगा। आपका जो आई है उसमें जूम कैपेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ लेंस आने के जो रिसर्चर्स ने अभी डेवलप किया वो लेंस के प्रोडक्ट के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, ये जो लेंस है वो आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको जूम करके देखने के लिए हेल्प करेगा। और ये इसके पीछे जो साइंस है, वो जो लेंस है उसमें एक पेपर फिल्म इंट्रोड्यूस किया है। वो फिल्म जो है वो आपकी आई का जो मूवमेंट है, उसका जो ब्लिंकिंग है, उसका जो मोशन है, उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। और अकॉर्डिंगली रिमोट, आपका जो सेंसर है, थ्रू रिमोट आप उसको जूम कर सकते हैं। अभी जो है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है और वेरी नियर फ्यूचर में शायद कमर्शियली अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में ये जूम कैपेबिलिटीज वाला लेंस मार्केट में आ सकता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जूम कैपेबिलिटीज, थोड़ा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा जो अपडेट है वो Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने सोलर का पैनल इन द बैक ऑफ द डिस्प्ले, एक सोलर का पैनल का एक पेटेंट रिसेंटली चाइना में रजिस्टर किया है। ये जो पैनल है वो एक न्यूज के मुताबिक आपका जो सोलर लाइट है उसको बैटरी चार्ज करने में फोन को हेल्प करेगा। और ये जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो शायद अपकमिंग स्मार्टफोन जो Xiaomi के उसमें इंट्रोड्यूस होने का चांस है। सो देखते हैं वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट आई थिंक सोलर पावर्ड चार्जिंग फोन कब चाइनीज इंडिया और बाकी के वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होता है। दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो AMD का EPYC CPU है उसके तरफ से है। AMD का जो EPYC CPU है वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारे वर्ल्ड जायंट्स जो है उन्होंने ये EPYC CPU को, AMD का जो EPYC CPU है उसको अपने डेटा सेंटर में इनकॉर्पोरेट किया है। नॉट ओनली दैट, लेनोवो और HP के प्रोलियंट G385, नॉट ओनली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, जो HP और Lenovo के जो सर्वर है उन्होंने भी ये AMD का लेटेस्ट जो EPYC जनरेशन 2 CPU है उसको इंट्रोड्यूस किया है। उनके जैसे HP का बात करें तो HP का जो Proliant G385 जो सर्वर है उसमें आपको ये दिखेगा। और ये जो सर्वर है उसमें 64, ये जो CPU है उसमें 64 कोर रहेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो कितना फास्ट होगा। होपफुली वो जल्दी कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और उसके जो मेन एप्लीकेशन रहेंगे वो वर्चुअलाइजेशन और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एजूर में क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये सीपीयू को यूज करने वाला है। सिमिलरली गूगल भी अपने डेटा सेंटर में सीपीयू है वो यूज करेगा। दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो इनविजिबल कीबोर्ड इन टच स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स ने उस कोई भी, अगर अभी जैसे आप स्मार्टफोन में टच करके टाइप करना है तो जो जितना इजी इंटरफेस है वैसा ही इजी इंटरफेस इनविजिबल, अभी जो जैसे आईपैड और आईफोन में आप जैसे टच करते हैं कीपैड जो है वो ओपन हो जाता है, लेकिन ये जो कीपैड है वो ट्रांसपेरेंट कीपैड होगा। और वो टच स्क्रीन का कोई भी एंगल है वहां पर आप जस्ट टाइप स्टार्ट कर दीजिए और आपका जो फिंगर का जो फीडबैक है उसको रिकॉग्नाइज करके वो पल्स जनरेट करेगा और अकॉर्डिंगली वर्ड्स टाइप होंगे। दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने अभी कंफर्म किया है कि अगर आपका मोबाइल डेटा अवेलेबल नहीं है तो भी आप व्हाट्सएप को डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आप लैपटॉप और डेस्कटॉप में व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका मोबाइल में डेटा एक्टिवेट होना जरूरी है। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट होगा व्हाट्सएप में, जो नया अपग्रेड आएगा फ्यूचर में, उसमें अगर आपके फोन में अगर डेटा अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप में डेटा अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप से व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे विदाउट एनी इशू। दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो नॉइस एयर ब्लूटूथ बेस्ड वायरलेस एयरबड्स की तरफ। दोस्तों, नॉइस ने सिर्फ 2500 में एक एयरबड्स अभी इंट्रोड्यूस किया और वो एयरबड्स जो ब्लूटूथ 5 जो है वो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। अभी जो ब्लूटूथ 5 है वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपको पेयरिंग बहुत स्ट्रांग बनाता है। और नॉट ओनली दैट, उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा ये जो नॉइस का जो ब्लूटूथ 5 बेस्ड जो XI एयरपोड है वो जो ऑडियो का AAC कोडेक है, जो बहुत ही म्यूजिक के लिए एफिशिएंट किया जाता है,
वो यूज कर रहा है, तो आपको जो साउंड का क्लैरिटी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। एप्पल के एयरपोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में बाकी सारे जो ब्लूटूथ है उससे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने का एक अनुमान है। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना मत भूलिए और आपके फ्रेंड्स को ये बिल्कुल शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये एक अच्छे न्यूज अपडेट टेक्नोलॉजी के मिलते रहे। और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए मेरी चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी सी यू सून इन माई नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।